ये मस्त व्यू है भीमताल का, भीमताल बाईपास की रोड से, क्योंकि भीमताल में आजकल बन रही रोड। माँ नंदा के दर्शन भवाली में, बाबा नीम गुरु बाबा के दर्शन स्थल में पहुँच चुका हूँ मैं, कैंची धाम पे, विश्व प्रसिद्ध। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार मोटो ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रानीबाग के पुल से। टू व्हीलर से पहाड़ों में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप लोग ना जाम में नहीं फंसोगे। अगर फोर व्हीलर से जा रहे हो तो फिर आपका दो दो तीन तीन घंटे का जाम लगेगा। तो यहाँ से कैंची धाम है अभी 27 किलोमीटर दूर, और भीमताल है अभी 5 किलोमीटर दूर। तो फ्रेंड्स, ये व्यू है भीमताल के जस्ट बगल से, और आप देख रहे हो पहाड़ों की अलग ही यहाँ से छटा निखर रही है, जो कि कैमरे में कैप्चर हो रही है, और बादलों ने पूरे पहाड़ों को अपने उसमें आगोश में ले रखा है। तो मैं आपसे बोल रहा था कि टू व्हीलर से ट्रैवलिंग करनी चाहिए पहाड़ में, थोड़ा रिस्की है लेकिन जाम से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मैं पहुंच चुका हूं सुसाइड पॉइंट पे, यह है सुसाइड पॉइंट भीमताल का, जिसे अब एंगल लगा के बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां पर लोग बाग जाके फोटोग्राफी करते थे और गिरने की डर लगा रहता था। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ भीमताल में, और यह है ताल, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं और गर्मियों के टाइम पे काफ़ी बोटिंग करते हैं। आजकल तो कम है, बट गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी बोटिंग होती है। तो काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा है अभी भीमताल का, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, बट ऐसा है नहीं, मौसम क्लियर है हल्के। आना आप लोग भी कभी भीमताल घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा है, एक हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। आपको यहाँ बोटिंग मिल जाएगी, पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी, और भी जो भी होता है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। भीमताल में रोड बननी, इसलिए हमें बाईपास से भेज दिया गया है, और बाईपास की रोड भी काफ़ी अच्छी बनी है, और ये वाला व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है ऊपर पहाड़, और नीचे से हम टू व्हीलर से ट्रैवलिंग कर रहे हूँ और भी मोटो ब्लॉगिंग के साथ, तो उसका अलग ही आनंद आता है। आगे मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही होगी, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि भीमताल और नैनीताल में अक्सर ऐसा रहता है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वहाँ पहाड़ों से नीचे बादल दिखने लग जाते हैं, लेकिन बारिश होती नहीं वैसे, बट ठंडा इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, फिलहाल नॉर्मल है। तो आप देख सकते हो, ये है ग्राफिक एरिया के ऊपर का थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ भवाली में, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मेला लगा हुआ है नुमाइश, जैसे कि हल्द्वानी में आपने देखा होगा वैसे यहाँ पे भी देखिए, और जो बोर्ड लगे हैं यहाँ पे, बोर्ड में उन लोगों का नाम लिखा है जो कि भवाली से रिलेटेड है या फिर उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। तो इनमें सारे टाइप के राजनेता हों या अभिनेता हों या फिर कोई सैनी हों, सभी लोगों का नाम इसमें लिखा हुआ है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर है आज, क्योंकि यहाँ पर नुमाइश है, और अभी हाल में नंदा देवी का मेला भी लग के ख़त्म हो चुका है, तो उसके वजह से भी थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह है नंदा देवी का मंदिर जो कि भवाली में है, लेकिन नैनीताल और अल्मोड़ा की अपनी अलग ही मान्यता है। तो जाम है, मैं पहुँच चुका हूँ कैंची धाम, बाबा नीम को बाबा का यहाँ पे स्थल है, और इनका बहुत बड़ा मंदिर है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो कैंची धाम की बहुत बड़ी मान्यता है, कहा जाता है कि फेसबुक के जो ऑनर थे मार्क जुकरबर्ग और एप्पल्स के संस्थापक, ये दोनों ने यहाँ के बाबा जी से आशीर्वाद लिया था, ऐसा बोला जाता है। और अभी हाल ही में एक साल पहले विराट कोहली भी यहाँ दर्शन करके गए हैं। तो यहाँ माँ वैष्णो देवी का भी मंदिर है। तो यहाँ जब से कोहली जी गए हैं यहाँ से, विराट कोहली जब से यहाँ से होके गए हैं, तब से तो इस स्थल की और भी ज़्यादा मान्यता होगी, और यहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो बारह मास यहाँ भीड़ रहती है। पहले तो सिर्फ गर्मी में रहती थी, लेकिन अब तो बारह मास रहने लग गई है। तो ये है बाबा
नीम कुएं बाबा का स्थान है। आप भी आइए कभी यहाँ। अब मैं आगे राती घाट से आगे निकल चुका हूँ और पहुँचने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद खैरना गर्म पानी। तो मैं गर्म पानी में पहुँच चुका हूँ और ये स्टार्टिंग है गर्म पानी का। और यहाँ पे छोटे छोटे होटल हैं रेस्टोरेंट टाइप के, जो पकौड़ी, समोसा, छोले और चटनी के साथ ब्रेड पकौड़ा देते हैं। तो यहाँ पे लोग जो अक्सर ऊपर से और नीचे से आने वाले होते हैं वो यहाँ पे आराम करते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं, वैसे अक्सर यहाँ पर रोड भी रुकती हैं। तो इसके आगे है खैरना और मैं खैरना पहुँचने वाला हूँ। हमें ले जाना है यहाँ से केक, तो लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगी पहले दुकान। हमें पता नहीं कौन सी दुकान से हमें लेना, क्योंकि ऑर्डर तो हमने पहले दे दिया था, बट हमें पता नहीं है। पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर वहाँ से उठाएंगे हम केक। शाम के बज गए हैं 5:30, 6 बजने वाले हैं। केक ले लिया हमने अब, और यहाँ से रोड जाती है रानीखेत को, और जो सामने दिख रही है वो रोड जाती है अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर। तो ये जो पुल है ये कनेक्ट कर रहा है रानीखेत को हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड से, और हमारा घर भी इसी रोड में पड़ता है। अब हम निकल रहे हैं भुजान की ओर। यह है खैरने की छोटी सी मार्केट। एक अलग ही व्यू अभी आजकल पहाड़ों का हो रखा है। कोसी नदी भी कम है अभी, क्योंकि अभी बारिश हो नहीं रही, उसी वजह से पानी थोड़ा कम है नदी में। और ये दिख रही जो आगे आपको कच्ची रोड दिख रही होगी, उस रोड को मेरे को अब आगे से जाके उस रोड में कनेक्ट होना है और वहीं से जाना है घर की ओर। तो अलग ही व्यू दिख रहा है, शाम के बज गए 6, तो अभी अंधेरा नहीं हुआ है, और एक अलग ही व्यू, वाकई मज़ा आ गया आज के इस मोटो ब्लॉग में, मोटो ब्लॉगिंग करते हुए। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा आपको ये मोटो ब्लॉग आज का लगा। आज पहली बार रात को पहुंचा हूं घर, काफ़ी अंधेरा हो गया था बाहर और डर भी लग रहा था बाघ का, कहीं जंगल में कहीं बाघ आग ना मिल जाए। वीडियो में तो नहीं बना पाया क्योंकि ना रोड हमारी कच्ची है घर की रोड, तो इस वजह से बना नहीं पाया। तो घर पहुँच चुका हूँ फाइनली। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।